Hey guys, what's up? I'm Kanan Edits and welcome back to my channel. So guys, कैसे आप सभी? I hope आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. So guys, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. So guys, इसमें आप सभी को एक बैकग्राउंड मिलेगा guys, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. एंड guys, आप सभी ने वीडियो को ओपन कर ही दिया है, तो guys, वीडियो को स्किप मत करना है, बिकॉज guys, अगर वीडियो को स्किप करते हो तो guys, आप सभी को कुछ समझ नहीं आएगा. So guys, वीडियो को एंड तक देखना. एंड guys, आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. एंड गाइस, बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लो. एंड गाइस, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार आपको स्क्रीन पे यूजर नेम दिख ही रहा हो. एंड गाइस, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो गाइस मुझे फॉलो कर लेना. एंड गाइस, चलिए चलते वीडियो के अंदर. सो गाइस, सिंपली आप सभी को करना है गाइस, बैकग्राउंड को ओपन करना है. एंड गाइस, पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है गाइस. वीडियो को पूरी देखने के बाद जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस. ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो गाइस आप जाकर डाउनलोड कर लेना. तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइस, मैं पहले अपने मॉडल को ले लेता हूँ ऐड फोटो में जाके. ठीक है गाइस, एंड आपकी मर्जी गाइस, आप जैसा पोज देना चाहते हो वैसे दे देना गाइस. मैंने ऐसा पोज दिया तो गाइस मैं ऐसे अपने मॉडल को लगा रहा हूँ. ठीक है गाइस, सो आप सभी को करना क्या गाइस, ऐसे अपने मॉडल को लगा लेना सिंपली इस तरीके से. एंड गाइस, मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है. एंड गाइस, आप सभी को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो गाइस मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है. सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आप देख लेना गाइस एंड बैकग्राउंड इरेज कर लेना सिंपली. ठीक है, सो गाइस आप सभी को अपने मॉडल को इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना है ऐसे, जैसे कि गाइस मैं कर रहा हूँ. आप अपने हिसाब से साइज देख लेना गाइस, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा मत कर देना गाइस. ठीक है, सो मैं इसको डन कर लेता हूँ. एंड गाइस, आप सभी को इसमें थोड़ी सी मैं इसमें एडजस्टिंग कर लेता हूँ गाइस कलर की. ठीक है गाइस, सो हम चलते हैं एक बार टूल्स में. ठीक है, टूल्स कहाँ गया, ये रहा. ठीक है, टूल्स में जाने के बाद गाइस आप सभी को जाना एडजस्ट में. एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, पहले गाइस आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें ब्राइटनेस को कम करना है गाइस. ठीक है, एंड गाइस ये कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा गाइस, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है. ठीक है, इस तरीके से. एंड गाइस, नीचे आप सभी को ये हाईलाइट्स दिख रहे होंगे. एंड गाइस, इसको आपको डाउन करना है इस तरीके से 67 तक. एंड गाइस, डन कर लेना है. ठीक है, एंड उसके बाद हमारा एक काम आता है गाइस, आप सभी को इसमें इफेक्ट में जाना है. एंड गाइस, साइड में ना ब्लर देना आपको, मतलब ब्लर ब्लर साइड में. ठीक है, सो हम चलते हैं ब्लर वाले आइकन में, ये रहा. एंड गाइस, आपको सबसे लास्ट वाला जो ये दिख रहा होगा ब्लर का, सबसे एंड वाला, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है. एंड गाइस, इरेजर टूल में जाना है सिंपली. ठीक है, इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आपको साइड में ये ऑप्शन दिख रहा होगा ये बॉक्स का, आपको इस पे जाना है. एंड गाइस, इस पे एक बार और क्लिक करना है आप सभी को. एंड गाइस, आपको साइड में सर्कल वाला भी दिख जाएगा ये. ठीक है, तो आपको सर्कल वाला आइकन पे क्लिक करना है. एंड गाइस, आप सभी को उसको साइज को बड़ा करना है. ठीक है, एंड आपको ना इसको गाइस इतना बड़ा करना है कि गाइस आपके ना शूज़ में ये ब्लर होना चाहिए, बस ओनली ये शूज़ तक रहें गाइस आपके ब्लर. ठीक है, इस तरीके से ये गाइस शूज़ गाइस हमारे ब्लर में ही आने चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो ऐसा लगे ना गाइस कि हम घूम रहे हैं इसमें, मतलब तो गाइस ऐसा दिखना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना गाइस, आपको कहाँ का ब्लर चाहिए. गाइस मेरे को शूज़ तक चाहिए तो मैं गाइस शूज़ तक कर रहा हूँ. एंड गाइस, आप सभी को बैक डन करके फिर बैक आना है. एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को इसको ब्लर 2 रखना है, बस 2 तक रखना है इसकी ओपेसिटी. ठीक है, एंड गाइस कर लेना सिंपली डन. ठीक है, ये देखिए मैं गाइस पहले आप सभी को दिखा देता हूँ डन करने से पहले. एंड कब कर लेते हैं डन. ठीक है गाइस, ये गाइस हमारी ऐसी फोटो हो गई. ठीक है गाइस, तो अब इसमें हमारी रह जाती है अब थोड़ी सी कलर एडजस्टिंग. ठीक है गाइस, तो इसका हम जो भी कलर करेक्शन करेंगे वो करेंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर. तो गाइस, हम ड्रॉ टूल में जाके इस फोटो कर लेते हैं सेव सिंपली. 3 डॉट पे क्लिक करके आप सभी को फोटो को सेव कर लेना है. एंड गाइस, चलते हैं हम लाइट रूम ऐप के अंदर. सो गाइस, मुझे ये फोटो अच्छी लगी तो गाइस मैंने इसे अपना वॉलपेपर पे लगा दिया. ठीक है गाइस, एंड आप भी लगा सकते हो, आपको आपकी मर्जी है गाइस, अगर आप लगा सकते हो तो गाइस. ठीक है, सो अब हम आ गए लाइट रूम ऐप के अंदर. एंड गाइस, अब जाते हैं ऐड फोटो के अंदर. ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपसे करना क्या है, अपनी फोटो का ऐड कर लेना है. थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, तो गाइस सिंपली आपसे कैसे ऐड कर लेना फोटो अपनी को. ठीक है गाइस, एंड डन करने के बाद गाइस आपको सभी को ऑल फोटोज़ में जाना है. ऑल फोटोज़ में जाने के बाद गाइस अपने फोटो को ओपन कर लेना सिंपली इस तरीके से. आप सभी को मैं जितने भी टूल्स को यूज़ करूँगा गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप देखने का ध्यान से. ठीक है, सो मैं चलता हूँ इस लाइट वाले ऑप्शन पे. ठीक है, एंड इसकी हाईलाइट्स को मैं गाइस एकदम बिल्कुल ही 100 कम कर दूँगा. ठीक है, मतलब 100 नहीं गाइस 82 तक रख लेता हूँ मैं इसे. ठीक है, एंड उसके बाद गाइस नीचे आता शेडो, तो गाइस मैं शेडो को बढ़ा लेता हूँ गाइस 35 तक. ठीक है, एंड आता वाइट कलर, सॉरी वाइट, तो गाइस इसको हम प्लस में रखेंगे 53 तक. ठीक है, एंड नीचे आपको दिख रहा होगा ब्लैक, तो गाइस इसको भी हम कम करेंगे 39 तक. ठीक है, एंड आप सभी को अब करना क्या है, अब नीचे वाले टूल्स में जाना है. ये वाला जो थर्मामीटर का आइकन दिख ही रहा होगा गाइस आप सभी को, इस पर क्लिक करना है. एंड गाइस मिक्स पे जाना है.
ठीक है। मिक्स में जाने के बाद गाइस आपको रेड कलर सेलेक्ट करना है एंड गाइस के ह्यू को 60 तक कम करना है, 16 तक, ठीक है। एंड लेना आप सभी को ये ऑरेंज वाला एंड इसकी सेचुरेशन को 38 तक माइनस करना है, ठीक है। एंड ल्यूमिनस को आपको 18 तक बढ़ाना है, ठीक है। एंड आप सभी को नेक्स्ट दिख रहा होगा गाइस येलो कलर होगा, जिसके ह्यू को आपको अपने हिसाब से देखना है। जब बैकग्राउंड में मतलब जो आपको हरे ग्रीन दिख रहा है आपको रेड रखना है, जो भी रखना अपने हिसाब से देख लेना। सो इसमें मेरे को येलो रखना तो मैं येलो ही रहने देता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं इसकी ल्यूमिनस को मैं माइनस कर लेता हूँ एंड गाइस ज़्यादा तक ग्रीन वाले कलर पे, ठीक है। एंड इसके ह्यू को हमें रखना है प्लस में 41 तक, ठीक है। एंड सेचुरेशन को माइनस करना है 36 तक, ठीक है। एंड इसकी ल्यूमिनस को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं ब्लू कलर में, ठीक है। एंड इसके ह्यू को हमें रखना है गाइस प्लस में 52 तक, ठीक है। एंड अब गाइस ये सेचुरेशन गाइस को रख लेते हैं माइनस में 42 तक, ठीक है। एंड आ जाते हैं सेकंड ब्लू वाले पे एंड गाइस आपसे इसके ह्यू को रखना है माइनस में 14 तक, ठीक है। एंड सेचुरेशन को रख लेते हैं गाइस हम प्लस में 37 तक एंड गाइस ल्यूमिनस को 27 तक माइनस में, ठीक है। एंड आ जाते हैं नेक्स्ट कलर में एंड गाइस इसकी सेचुरेशन कर देते हैं बिल्कुल कम, ठीक है। 100 कम कर देते हैं एंड गाइस इसके नेक्स्ट कलर पे आ जाते हैं एंड गाइस इसके भी सेचुरेशन करने में बिल्कुल कम, ठीक है। इस तरीके से एंड गाइस आप सभी को लेनी फोटो को डन एंड गाइस आप सभी को सबसे एंड में दिख रहा होगा सेचुरेशन, ठीक है। सो हम इसको रखते हैं प्लस में 11 तक, ठीक है। एंड ऊपर आपको वाइब्रेशन इसको थोड़ा कम कर लेते हैं गाइस हम 9 तक एंड आपको ऊपर दिख रहा होगा वाइब्रेशन एंड गाइस इसको हम रखते हैं प्लस में 12 तक, ठीक है। एंड इसको आपको सबसे ऊपर टेम्परेचर दिख रहा होगा उसको हम -4 तक रखते हैं एंड गाइस टिंट को रखते हैं प्लस में 6 तक, ठीक है। सब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट नीचे एंड गाइस आपको क्लियरिटी को करनी इंक्रीज 36 तक, ठीक है। एंड आपको फोर्थ नंबर पर आपको दिख रहा होगा ये विग्नेट का ऑप्शन, ठीक है। सो आपको विग्नेट रखनी है -19 तक, ठीक है। एंड मिड पॉइंट को रखना है 14 तक, ठीक है गाइस माइनस में। एंड गाइस आपको फेदर को बिल्कुल 100 तक प्लस करना है, ठीक है गाइस। एंड चलते हैं अब नीचे वाला आइकन पे, ये आप सभी को ये आइकन दिख रहा होगा एंड गाइस आप सभी को फोटो को शार्प करनी, इससे हमारी फोटो HD क्वालिटी में आती है। सो गाइस हम शार्प कर लेते हैं फोटो को, ठीक है। एंड आप सभी को नीचे दिख रहा होगा नॉइज़ रिडक्शन, ठीक है। हम इसको भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड आप सभी को नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ठीक है। एंड आप सभी को कलर नॉइज़ रिडक्शन दिख रहा होगा नीचे, ये गाइज आप सभी को इसको आपको 23 तक बढ़ा लेना है, ठीक है। सो गाइज हमारे यहाँ तक फोटो एडिट हो चुकी है। सो गाइज अब अभी हमें थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं फोटो को, ठीक है। सो अब हम देखते हैं गाइज हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइज आप सभी को मैं आफ्टर एंड बिफोर दिखा देता हूँ गाइज, ये हमारी पहले ऐसी थी एंड गाइज अब हमने इसे ऐसी एडिट करी है, ठीक है। सो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, तो गाइज अब हम इस फोटो कर लेते हैं सेव। एंड गाइज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड गाइस मुझे इंस्टा फॉलो कर दो एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।